तो आप जान ही गए हैं कि मैं पहुंच चुका हूं कानपुर से। तो हम लोग की नाव को पार लगा रहे हैं भैया, बैडमिंटन की हदी पार हो गई। कानपुर में आईआईटी कानपुर ही नहीं, अब मेट्रो भी है। अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप जान ही गए हैं कि मैं पहुंच चुका हूं कानपुर सेंट्रल में, और अभी हम रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर निकले हैं। हम अब ढूंढेंगे हमारे परम मित्र को, हमको आयुष जी दिख गए हैं। स्वागत है आपका, 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। कानपुर में है क्या क्या चीज? सबसे पहली बात ये, आप कानपुर पहले नहीं आ चुके? हाँ, तो आप कानपुर के बारे में नहीं जानते हो? आप हमारी फेवरेट चाय की दुकान नहीं जानते हो? आप ये सामने पप्पू खस्ता भंडार नहीं जानते हो? कानपुर की उन्हीं जानी पहचानी गलियों में फिर चलते हैं और जानी पहचानी चीजें ट्राई करते हैं। खस्ता बोल रहे हैं, और ये अब तैयार हो गया लालू भैया का खस्ता। और हम लोग ठीक है, सीक्रेट हो जाने के साथ, और अब हम ट्राई करेंगे खस्ता। घर जाएंगे, सोएंगे और फिर उसके बाद मिलेंगे। A few moments later. नहा के हम लोग पहुंच गए हैं गंगा मैया के एकदम बीच में। कितने दिन बाद निकले घूमने? 2 महीने बाद निकले। किनाव को पार लगा रहे हैं भैया, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे परमठ दर्शन करेंगे। कह रहे हैं बाबा बैठे आनंदेश्वर में, आनंद रहे लुटाए, हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, नंदेश्वर बाबा की जय। गंगा मैया की गोद में 2-3 घंटे घूमने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं परमठ, बाबा के दर्शन कर लेते। तो अब बाबा के दर्शन हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं परमठ से बाहर। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? मेट्रो। इसी ड्रेस में? इसी ड्रेस में। तो गाड़ी ये पार्क कर दी है मोती झील। अभी अभी कानपुर जो है, कानपुर सेंट्रल से कानपुर मेट्रो बना है। मैं और आयुष जा रहे हैं कानपुर मेट्रो को थोड़ा प्रमोट करने के लिए। आया नहीं आया? हो गया। कानपुर मेट्रो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो हम लोग का ये गेट पास आ गया है, अब हम लोग जाएंगे आईआईटी कानपुर, फिर वहां से रिटर्न आएंगे। मोती झील का मेट्रो स्टेशन, हमारी मेट्रो बस आने ही वाली है। तो हमारी मेट्रो मोती झील से अब बढ़ चुकी है आगे एक तरफ। कुणाल और सेरा बगल में बैठे थे, तो इन्होंने सर्च किया और चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया। अच्छा, कहाँ? चलो ठीक है। अभी जो कानपुर मेट्रो है वो मोती झील से आईआईटी कानपुर तक ही चल रही है, एक ही रूट पे अभी चालू हुई है, अभी बाकी रूट जो है तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमने तो पहली बार बैठे हैं, इसलिए एक्साइटमेंट की हद ही पार हो गई। वापस से सीधे जाएंगे। अच्छा, तो आईआईटी से लेके फिर मोती झील, और फिर मोती झील से गुरुदेव चला। अच्छा, तो मेट्रो में घूमने के लिए आए थे? हाँ। अच्छा, आईआईटी कानपुर वहाँ उतरते हैं, देखते हैं अगर इलेक्ट्रिक बस मिलेगी तो हम लोग इलेक्ट्रिक बस से रिटर्न होंगे। ये है क्या चीज? ये गुरुदेव में मेट्रो डिपो बना हुआ है, और ये जितने भी ट्रैक दिखाए गए हैं यहाँ यहाँ पर मेट्रो पूरे कानपुर में चल रही है। कानपुर से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन कानपुर में ये आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ा। अच्छा, और अभी कानपुर में बहुत सुविधा हो गई सबके लिए। अब हम लोग यही बोलेंगे कानपुर में आईआईटी कानपुर ही नहीं, अब मेट्रो भी है। अच्छा, ऐसा बस के लिए भी बताइए। हाँ, इलेक्ट्रिक बस हो जाने से बहुत अच्छा हो जाएगा, कानपुर में जो पॉल्यूशन है उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा। थोड़ा सा सस्ती इलेक्ट्रिक बस। कानपुर भी अपने मेट्रो शहर में आ गए, नाम उनकी गिनती आ गई है, उसी हिसाब से सुविधाएं फैसिलिटीज भी मिलेंगी, बढ़ेगी। अब रंगबाजों के शहर में मेट्रो आ गई है। हाँ, शहर मेट्रो आ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हम लोग एग्जिट हो गए हैं आईआईटी कानपुर से, अब देखते हैं वापसी क्या है। हम लोग मोती झील से चले थे ना,
तो मोती झील में बाइक हम लोग की खड़ी है, हम लोग IIT कानपुर पहुंच गए, चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक बस मिल जाती है तो बेहतर है। आइए चलिए चलिए। तो अभी हम लोग को IIT कानपुर के बाहर इलेक्ट्रिक बस भी दिख गई है अब आनंद लेने के लिए। इसमें भी मेट्रो वाली सेवा है चार्जिंग के लिए, है ना। तो IIT कानपुर से हम लोग को इलेक्ट्रिक बस मिली है, और वैसे इलेक्ट्रिक बस का भी आनंद जो है वो बहुत मजेदार है ना। आवाज बिल्कुल भी नहीं है, वो जैसे बाकी सिटी बसों में होता है वो वाली आवाज नहीं है। सीट कम है लेकिन बेहतर है। ये बात तो हम लोग अब वापस मोती झील पहुंच गए, अब यहाँ से हम लोग घर जा रहे हैं। और आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।